नमस्कार, आज हम एनसीईआरटी कक्षा 12 रसायन भाग 1 के छठे अध्याय तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम का द्वितीय भाग देखेंगे। प्रथम भाग में हमने देखा तत्वों के पाए जाने की अवस्था मुक्त रूप में अथवा संयुक्त रूप में, धातु कर्म का प्रक्रम किस प्रकार का होना चाहिए, रासायनिक रूप से संभव और आर्थिक रूप से लाभदायक होना चाहिए, अयस्क क्या हैं, वह स्रोत वह खनिज जो स्रोत के रूप में कार्य करें वह अयस्क है, अपअयस्क गैंग किसे कहते हैं, अवांछित पदार्थ या मृदा जो अयस्क के साथ जुड़ी होती है उसे हम अपअयस्क कहते हैं, धातु कर्म के प्रक्रम में धातु के निष्कर्षण के विभिन्न पद क्या क्या हैं। इसमें हमने देखा पहला धातु का सांद्रण, तत्व का पृथक्करण, फिर धातु का शोधन, धातु की उपलब्धता कैसे है, किस प्रकार से कितनी प्रतिशत किस तरह से पाई जाती है उसके बारे में देखा, सांद्रण की विभिन्न विधियों के बारे में जाना। इनमें जो विधियां हमने देखी उनमें हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड और लीचिंग। सांद्रित अयस्क से धातु का निष्कर्षण, भर्जन और निस्तापन क्या है, उसके बाद धातु के ऑक्साइड से धातु में परिवर्तन अपचयन द्वारा। आज के भाग में हम देखेंगे ऊष्मा गतिकी के सिद्धांत किस तरह से धातु कर्मकी में लगाए जाते हैं। इसमें हम एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, आयरन के निष्कर्षण में गिब्स ऊर्जा तथा एंट्रोपी की अवधारणा लागू कर पाएंगे। यह समझ पाएंगे कि Cu2O का अपचयन Fe2O3 की तुलना में अधिक आसान क्यों है। CO कार्बन मोनोक्साइड विशिष्ट ताप पर एक अच्छा अपचायक है, परंतु कुछ स्थितियों में कोक उससे भी ज़्यादा अच्छा अपचायक होता है। ऑक्साइड फॉर्मेशन के डेल्टा जी नॉट वर्सेस टी एलिंगम डायग्राम द्वारा हम यह बता पाएंगे कि कौन सा अपचायक किस ऑक्साइड के लिए अच्छा कार्य करेगा। धातु कर्मिकी के ऊष्मा गतिकी सिद्धांत, यहाँ गिब्स ऊर्जा सबसे अधिक सार्थक पद है। किसी प्रक्रम के लिए किसी विशिष्ट तापक्रम पर गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा जी को इस समीकरण द्वारा बताया जाता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, जहां किसी प्रक्रम के लिए डेल्टा एच एंथैल्पी में परिवर्तन तथा डेल्टा एस एंट्रोपी में परिवर्तन है। किसी अभिक्रिया के लिए इस परिवर्तन को हम इस समीकरण से भी समझा सकते हैं, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, जहां के क्या है, अभिकारक उत्पाद तंत्र के लिए टी ताप पर एक साम्य स्थिरांक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के समीकरण में ऋणात्मक डेल्टा जी धनात्मक के को प्रदर्शित करता है, और यह तभी संभव है जब अभिक्रिया उत्पादों की ओर अग्रसर हो। हम जानते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। के की वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब है कोई साम्य वाली अभिक्रिया प्रोडक्ट की तरफ अग्रसर हो, प्रोडक्ट अधिक मात्रा में बन रहा हो, और रिएक्टेंट कम, तो के की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और डेल्टा जी नेगेटिव रहेगा। उपरोक्त तथ्यों से हम यह निष्कर्ष निकालते हैं। पहला निष्कर्ष तो यह है कि जब समीकरण डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस में डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होगा, केवल तभी अभिक्रिया अग्रसर होगी। यह हम जानते हैं कि डेल्टा जी नेगेटिव होने का मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली स्वतः प्रवर्तित हो पाएगी। यदि डेल्टा एस धनात्मक हो जाएगा तो प्रक्रम टी बढ़ने से टी डेल्टा एस का मान बढ़ जाएगा। इस इक्वेशन में देखें डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इसमें यदि डेल्टा एस का मान धनात्मक है तो जो दूसरी वाली टर्म है क्योंकि उसके आगे माइनस का साइन है, तो डेल्टा एस के धनात्मक होने पे टी का मान बढ़ाने के साथ साथ टी डेल्टा एस की वैल्यू बढ़ जाएगी और नेगेटिव वैल्यू हमारे पास बढ़ जाएगी। दूसरा निष्कर्ष यह है कि यदि किसी निकाय में दो अभिक्रियाओं के अभिकारकों तथा उत्पादों को एक साथ रखा जाए और दोनों संभव अभिक्रियाओं का परिणामी डेल्टा जी ऋणात्मक हो तो समग्र अभिक्रिया संपन्न होगी।
दो अभिक्रियाएं हैं जो संभव अभिक्रियाएं हैं। मान लीजिए एक में डेल्टा जी कम नेगेटिव है और दूसरी में डेल्टा जी ज़्यादा नेगेटिव है, समग्र रूप से करने के बाद उनका परिणामी डेल्टा जी ऋणात्मक आता हो, या एक का डेल्टा जी थोड़ा पॉजिटिव है और दूसरे का लार्ज नेगेटिव वैल्यू है डेल्टा जी की, समग्र रूप से करने पे डेल्टा जी का मान ऋणात्मक आता हो, तो ऐसी अभिक्रियाएं संपन्न हो पाएंगी। अतः प्रक्रम की व्याख्या में दो अभिक्रियाओं का युग्मन इनके डेल्टा जी का योग प्राप्त करना तथा इसका परिमाण और चिन्ह देखना सम्मिलित होता है। ऑक्साइडों के विरचन के लिए इस प्रकार के युग्मन को गिब्स ऊर्जा डेल्टा जी नॉट तथा टी के मध्य खींचे गए वक्रों से आसानी से समझा जा सकता है। दो अभिक्रियाओं का युग्मन हम डेल्टा जी नॉट वर्सेस टी का जो ग्राफ है ऑक्साइड फॉर्मेशन का, जिसे एलिंगम डायग्राम कहते हैं, उसके द्वारा हम बता पाएंगे किन दो अभिक्रियाओं का युग्मन होके समग्र रूप से अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित हो पाएगी। जब धातु ऑक्साइड अपचित होता है तो अपचायक अपना ऑक्साइड विरचित करता है। धातु का ऑक्साइड तो धातु में बदलेगा और जो अपचायक है वो उससे ऑक्सीजन प्राप्त करके ऑक्साइड बनाएगा। अपचायक की भूमिका डेल्टा जी नॉट को इतना अधिक ऋणात्मक मान देने में है जिससे दो अभिक्रियाओं, अपचायक का ऑक्सीकरण और धातु ऑक्साइड का अपचयन के डेल्टा जी नॉट का योग ऋणात्मक हो जाए। ध्यान दीजिएगा, अपचायक का जो ऑक्साइड फॉर्मेशन का डेल्टा जी है वो लार्ज नेगेटिव होना चाहिए, तब वो धातु के ऑक्साइड को धातु में परिवर्तित करने में युग्मन अभिक्रिया के साथ डेल्टा जी को ऋणात्मक ला पाएगा। यह एलिंगम डायग्राम है। इस डायग्राम में देखें, वाई एक्सेस पे डेल्टा जी नॉट प्लॉट किया हुआ है, एक्स एक्सेस पे तापमान प्लॉट किया हुआ है और ये ऑक्साइड फॉर्मेशन के ग्राफ हैं। सबसे ऊपर देखिए कॉपर ऑक्साइड बनने का ग्राफ, आयरन ऑक्साइड, फिर ये कुछ रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कार्बन कन्वर्टिंग इंटू सी ओ टू है, ये वाला सी कन्वर्टिंग इंटू सी ओ है, इस तरह से ये सब ऑक्साइड फॉर्मेशन का ग्राफ है। कैसे हम इस ग्राफ से पता लगा सकते हैं कि कौन किस ऑक्साइड के लिए अच्छा अपचायक होगा? यहाँ ग्राफ में देख रहे हैं एक बिंदु ए दिया है। इस ए बिंदु के नीचे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, और एल्यूमिनियम जो है वो भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है। नीचे की तरफ देख रहे हैं ग्राफ में, वाई एक्सिस पे देखें, -100 -200, जितना हम नीचे की तरफ आ रहे हैं उतना डेल्टा जी लार्ज नेगेटिव होता जा रहा है ना। तो अपचायक का डेल्टा जी नॉट कैसा होना चाहिए? लार्ज नेगेटिव। अब इन ए पॉइंट से नीचे क्या एल्यूमिनियम ऑक्साइड को मैग्नीशियम अपचयित कर पाएगा? हाँ, कर पाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम का जो डेल्टा जी नॉट है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के डेल्टा जी नॉट से ज्यादा नेगेटिव है, क्योंकि ये ग्राफ रेखा नीचे आ रही है, नीचे आने वाला ग्राफ लार्ज नेगेटिव फॉर्मेशन को दिखा रहा है। ऑक्साइड फॉर्मेशन का जो डेल्टा जी है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए अधिक ऋणात्मक है। अब अगर हम इन दो रिएक्शंस को कपल करें, यानी कि हम चाहते हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो एल्यूमिनियम में बदल जाए और मैग्नीशियम उसमें अपचायक का काम करे, तो क्या होगा? हम ये रिएक्शन तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही चाहते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाए और एल्यूमिनियम ऑक्साइड से एल्यूमिनियम प्राप्त हो। तो डेल्टा जी जो इसका फॉर्मेशन का है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, उसमें से एल्यूमिनियम ऑक्साइड के फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा जी को घटाएंगे अपन, तो घटाने पे भी यदि आंसर ऋणात्मक प्राप्त हो तो यह अभिक्रिया संपन्न हो पाएगी, जो कि हम देख रहे हैं इस वक्र में एक पॉइंट से नीचे नीचे मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनने की रेखा नीचे आ रही है। इसका डेल्टा जी नॉट लार्ज नेगेटिव है, अतः यह एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एल्यूमिनियम में अपचयित कर पाएगा। यानी कि कितने तापमान तक? लगभग आप मान लीजिए ये 1400 टेम्परेचर के नीचे नीचे, ऐसा तो 1400 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे नीचे ये मैग्नीशियम अपचायक का काम कर रहा है। लेकिन ए पॉइंट के ऊपर ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का ग्राफ ऊपर चला गया और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का ग्राफ नीचे आ रहा है, तो अब कौन किसको अपचयित कर पाएगा उच्च तापमान पे? मान लीजिए तापमान अपना 1800 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 1800 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग ये है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम की लाइन नीचे आ गई है, तो एल्यूमिनियम मैग्नीशियम ऑक्साइड को अपचयित कर पाएगा। इस तरह से इस ग्राफ की सहायता से हम यह बता सकते हैं
किस ऑक्साइड के लिए कौन अच्छे अपचायक का काम करता है। जैसे देखें, एक और उदाहरण हम बताते हैं, आयरन का ऑक्साइड FeO इस तरह से बन रहा है ना, इसको हमें FeO से Fe में बदलना है ना। इस वाले में आप देखें, कम तापमान जहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा है CO, जैसे ये वाली लाइन देखें, C कन्वर्टिंग इनटू CO2, ये लाइन लगभग यहाँ इससे नीचे नीचे आती जा रही है, जितना वो नीचे आती जाएगी उस तापमान पे वो अच्छे से अपचयित कर पाएगी। तो लगभग ये 800 डिग्री सेंटीग्रेड 1073 पे आप देख रहे हैं FeO से नीचे आ गया है अपना C कन्वर्टिंग इनटू CO2 का ग्राफ, C कन्वर्टिंग इनटू CO का ग्राफ काफ़ी दूरी पे आ गया है नीचे, तो C कन्वर्टिंग इनटू CO एक अच्छा अपचायक का काम कर पाएगा FeO के लिए। यानी कि एलिंगम डायग्राम में नीचे आने वाली रेखा का जो ऑक्साइड बनने के फॉर्मेशन है वो मेटल ऊपर वाले के ऑक्साइड को अपचयित कर सकता है, क्योंकि उन दोनों कपल्ड रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव आ पाता है। धातु का ऑक्साइड अपचयन के दौरान विघटित होता है। अपचयन के दौरान देखो क्या होगा, ये धातु ऑक्साइड है, धातु में परिवर्तित हो रहा है और ऑक्सीजन गैस निकल रही है, तो ये ऑक्साइड से मेटल में कन्वर्ट हो गया। अपचायक इस ऑक्सीजन को प्राप्त कर लेता है, समीकरण एक को धातु के ऑक्सीकरण की प्रतिलोम अभिक्रिया के रूप में देखा जा सकता है, और तब डेल्टा जी एफ नॉट का मान सामान्य प्रकार से लिखा जा सकता है। यह समीकरण तो था अपचयन का, लेकिन अगर हम इसको रिवर्स करें कि मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बना रहा है, तो वह उसके ऑक्साइड फॉर्मेशन का समीकरण बन पाएगा। इस तरह से देखें, मेटल को हमने ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया और मेटल ऑक्साइड फॉर्म करा, और डेल्टा जी नॉट को भी हमने एम कन्वर्टिंग इनटू MXO में कन्वर्ट कर लिया। यदि ऑक्साइड का अपचयन उपरोक्त समीकरण एक के अनुसार होता है तो अपचायक का जैसे कि कार्बन से CO ऑक्सीकरण भी होगा। यहाँ देखें, अगर मेटल ऑक्साइड से मेटल बनता है तो इस तरह से ये रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन जो है CO में कन्वर्ट होगा, तो डेल्टा जी सी कन्वर्टिंग इनटू CO देखना है, और या फिर CO जो है वो CO2 में कन्वर्ट होगा, तो डेल्टा जी CO कन्वर्टिंग इनटू CO2 देखना है। यदि अपचयन के लिए कार्बन लिया जाता है तो इस तत्व का CO2 में पूर्ण ऑक्सीकरण भी हो सकता है, कार्बन का CO2 में भी ऑक्सीकरण हो सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि तीनों में से कोई भी रिएक्शन सी कन्वर्टिंग इनटू CO, सी कन्वर्टिंग इनटू CO2 या सी कन्वर्टिंग इनटू CO, ये रिएक्शन हम रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम में ले सकते हैं। उपरोक्त तीनों समीकरण 3, 4 और 5 में से समीकरण 2 घटाने पर, 2 क्या था, हमारे ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड से मेटल बनने का समीकरण था, तो उसको हमने जब रिवर्स किया था, 1 वाले में हमने मेटल ऑक्साइड से मेटल में कन्वर्ट किया, लेकिन 2 में हमने उसको ऑक्साइड फॉर्मेशन के फॉर्म में कर लिया, यानी कि मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड दे रहा है, वो ऑक्साइड फॉर्मेशन मेटल का दिखाया। और इन तीनों समीकरण 3, 4 और 5 में हमने अपचायक के साथ ऑक्सीजन जोड़ के अपचायक पदार्थ को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया, है ना। अब दोनों ही ऑक्साइड फॉर्मेशन के रूप में दिखाए हैं, तो रिड्यूसिंग एजेंट जो हम काम में लेने वाले हैं उसमें से मेटल ऑक्साइड के फॉर्मेशन का डेल्टा जी घटाने पर, इसका अर्थ यह है कि इस समीकरण के ऋणात्मक या प्रतिलोम को, जो कि समीकरण एक है, या अगर हम समीकरण एक काम में लेते हैं जिसमें कि हमने मेटल के ऑक्साइड को मेटल में ही दिखाया था कन्वर्ट होते हुए, या तो समीकरण एक के डेल्टा जी को जोड़ दें, और अगर अपन समीकरण दो रखते हैं तो उसको समीकरण 3, 4, 5 में से घटा दें, ठीक है। तो इस तरह से 3, 4 और 5 जो अपचायक पदार्थ के ऑक्साइड में कन्वर्ट होने वाले समीकरण हैं, उनमें से अगर हम घटाते हैं तो कौन सा घटाना है, मेटल ऑक्साइड बनने वाला समीकरण, मेटल से मेटल ऑक्साइड बनने वाला समीकरण घटाने पे डेल्टा जी प्राप्त करेंगे, या फिर हम मेटल ऑक्साइड से मेटल प्राप्त करने वाला समीकरण एक जो था उसके डेल्टा जी को जोड़ भी सकते हैं। इस तरह से हमें ये तीनों समीकरण प्राप्त होंगे, जहां आप देख रहे हैं मेटल ऑक्साइड से मेटल बन रहा है और कार्बन CO में कन्वर्ट हो गया, या कार्बन मोनोऑक्साइड काम में लिया CO2 में कन्वर्ट हो गया, मेटल ऑक्साइड से मेटल बन गया, और इसी तरह से ये वाला मेटल ऑक्साइड जब कार्बन से रिड्यूस हो रहा है तो मेटल बना और यहाँ CO2 प्राप्त हो रहा है।
ये अभिक्रियाएं धातु ऑक्साइड MXO के वास्तविक अपचयन को दर्शाती हैं, जिसे हम निष्पादित करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मेटल ऑक्साइड मेटल में कन्वर्ट हो और जो भी अपचायक हम काम में लें, कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन कन्वर्टिंग इनटू CO2, वो ऑक्सीकृत हों। सामान्यतः इन अभिक्रियाओं के डेल्टा GR नॉट, इन दोनों की कपल्ड रिएक्शन का जो डेल्टा GR नॉट है, उसका मान इसी प्रकार संगत डेल्टा GF नॉट के मान घटाकर प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हमने मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट किया और रिड्यूसिंग एजेंट को उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, है ना। और हमने देखा, अगर हम ऑक्साइड फॉर्मेशन की रिएक्शन की बात करें, तो अपचायक के ऑक्साइड फॉर्मेशन में से मेटल के ऑक्साइड फॉर्मेशन के डेल्टा जी को घटाकर भी डेल्टा जी आर नॉट प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हम अगर मेटल ऑक्साइड से मेटल बनने का डेल्टा जी देख रहे हैं, तो हम डेल्टा जी एफ नॉट रिड्यूसिंग एजेंट का और मेटल ऑक्साइड से मेटल प्राप्त करने वाला डेल्टा जी जोड़ के भी डेल्टा जी आर नॉट प्राप्त कर सकते हैं। तापन अर्थात बढ़ता ताप डेल्टा जी एफ नॉट के ऋणात्मक मान के लिए सहायक होता है। किस प्रकार सहायक है? हमने कई देखा, कई रिड्यूसिंग एजेंट के ग्राफ टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ नीचे की तरफ जाते जा रहे हैं, तो उतने ही ऑक्साइड से उसकी दूरी बढ़ती जा रही है, मेटल के ऑक्साइड के साथ दूरी बढ़ती जा रही है, अर्थात रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्साइड फॉर्मेशन लार्ज नेगेटिव होता जा रहा है तापमान बढ़ने के साथ साथ, अतः उच्च ताप पर वो एक अच्छा अपचायक का कार्य कर रहा है। अतः इस प्रकार का तापमान चुना जाता है जिस पर दो संयुक्त रेडॉक्स प्रक्रमों के डेल्टा जी एफ नॉट के मानों का योग ऋणात्मक हो। डेल्टा जी एफ नॉट तथा टी के मध्य वक्रों में यह दोनों वक्रों के प्रतिच्छेदन बिंदु द्वारा प्रदर्शित होता है। जिस पॉइंट पे रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्साइड फॉर्मेशन और मेटल से मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन इंटरसेक्ट कर रहा है, प्रतिच्छेदित कर रहा है, और जहां मेटल ऑक्साइड ऊपर की तरफ जाए और रिड्यूसिंग एजेंट की लाइन नीचे की तरफ आए, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट का डेल्टा जी फॉर्मेशन जो है, ऑक्साइड फॉर्मेशन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, वो लार्ज नेगेटिव होता जा रहा है टी बढ़ाने के साथ साथ, तो हम वह बिंदु देखते हैं जहां पर इंटरसेक्शन हो रहा है और फिर उस तरह से तापमान डिसाइड करते हैं कि हम किस ताप पर अभिक्रिया कराएं जिससे कि रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्साइड फॉर्मेशन लार्ज नेगेटिव हो और वो मेटल ऑक्साइड के फॉर्मेशन से लार्ज नेगेटिव होने के कारण घटाने पर भी रिजल्टेंट डेल्टा जी नॉट ऑफ द रिएक्शन नेगेटिव आ पाए। MXO का वक्र तथा अपचायक पदार्थ के ऑक्सीकरण का वक्र, इन दोनों का इंटरसेक्शन देखा जाता है। इस बिंदु के बाद संयुक्त प्रक्रमों का, जिनमें MXO का अपचयन भी सम्मिलित है, डेल्टा जी आर नॉट का मान अधिक ऋणात्मक हो जाता है। तो हम देखते हैं तापमान बढ़ाने के साथ कई बार रिड्यूसिंग एजेंट का ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि लार्ज नेगेटिव हो रहा है, तो वह तापमान चुना जाता है जिस पे वो आसानी से मेटल ऑक्साइड को अपचयित कर पाए और कपल्ड रिएक्शन का जो नेगेटिव वैल्यू डेल्टा जी की आनी चाहिए वो हमें आसानी से मिल पाए। उस बिंदु के बाद दोनों डेल्टा जी आर नॉट मानों में अंतर यह निर्धारित करता है कि ऊपरी रेखा के ऑक्साइड का अपचयन नीचे की रेखा द्वारा प्रदर्शित तत्व द्वारा संभव है या नहीं। इस ग्राफ से हमें यह सहायता मिलती है कि हम किसी ऑक्साइड के लिए कौन सा अपचायक चुने। जहां रिड्यूसिंग एजेंट और मेटल के ऑक्साइड फॉर्मेशन के बीच में अधिक गैप आ रहा है जिस तापमान पर, वहां वो रिड्यूसिंग एजेंट का डेल्टा जी फॉर्मेशन लार्ज नेगेटिव हो चुका है, उस तापमान पे हम उस रिड्यूसिंग एजेंट को, पर्टिकुलर मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने के काम में ले सकते हैं। यदि अंतर अधिक है तो अपचयन आसानी से होगा। इस तरह से हमने देखा किस प्रकार एलिंगम डायग्राम हमें यह समझाने में सहायक है कि किसी ऑक्साइड के लिए कौन सा अपचायक उपयुक्त होगा। किसी ऑक्साइड को अपचयित करने के लिए यदि हम ग्राफ देखते हैं तो उसमें नीचे आने वाला तत्व ऊपर आने वाले ऑक्साइड को आसानी से अपचयित कर सकता है। वह रेखा जितनी नीचे होगी उतना उन दोनों कंबाइंड रिएक्शन की डेल्टा जी नेगेटिव आ पाएगी। हम यह तापमान भी पता लगा सकते हैं किस तापमान पर वह रेखा अपचयित करने वाले ऑक्साइड से नीचे आ रही है, अतः वह तापमान चुनकर और उस पदार्थ को लेके हम अपचयन के कार्य में ऑक्साइड के लिए ले सकते हैं।
अब हम उष्मागतिकी के सिद्धांतों का अनुप्रयोग देखेंगे, किस प्रकार से इन सिद्धांतों को धातु के ऑक्साइड या अन्य ओर के द्वारा धातु में निष्कर्षण में उपयोग किया जाता है। पहला है आयरन का इसके ऑक्साइड से निष्कर्षण। आयरन के ऑक्साइड अयस्कों को निस्तापन, भर्जन, जल को हटाने के लिए, कार्बोनेट जैसे सिड्राइट ओर का अपघटन करने के लिए तथा सल्फाइड को ऑक्सीकृत करने के लिए के द्वारा सांद्रण के उपरांत चूना पत्थर तथा कोक के साथ वात्या भट्टी दमन भट्टी में ऊपर से डाल देते हैं। यहाँ ऑक्साइड धातु में अपचित हो जाता है। उष्मागतिकी हमें यह समझाने में सहायता करती है कि कोक ऑक्साइड को क्यों अपचित करता है तथा इस भट्टी का चयन क्यों किया जाता है। इस प्रक्रम में एक महत्वपूर्ण चरण अपचयन है। यह अभिक्रिया देख रहे हैं जहां आयरन का ऑक्साइड कोक या कार्बन के द्वारा अपचयित होके आयरन में कन्वर्ट हो रहा है और कोक CO में ऑक्सीकृत हो गया है। यह एक महत्वपूर्ण पद है जहां आयरन के ऑक्साइड से आयरन का प्राप्त होना और अपचायक कार्बन जो है CO में ऑक्सीकृत हो रहा है। इसे दो सामान्य अभिक्रियाओं के युग्म के रूप में देखा जा सकता है। इसमें से एक में FeO का अपचयन हो रहा है तथा दूसरे में C का CO में ऑक्सीकरण हो रहा है। उस पहली रिएक्शन को ही हमने दो में ब्रेक कर लिया है। यहाँ देखें, आयरन ऑक्साइड को आयरन में अपचयित करके हाफ O2 निकाला है, इसके लिए डेल्टा जी FeO कन्वर्टिंग इनटू Fe, और दूसरा कार्बन जो ऑक्सीकृत हो रहा है वो हाफ O2 प्राप्त करके CO में ऑक्सीकृत हो रहा है। पहली रिएक्शन को ही हमने अलग अलग कर लिया, ये रिएक्शन अपचयन की है और दूसरी रिएक्शन कार्बन की ऑक्सीकरण की है, और इसके लिए डेल्टा जी सी कन्वर्टिंग इनटू CO प्राप्त हो रहा है। दोनों अभिक्रियाओं के साथ होने पर समीकरण एक, अगर हम इन ऑक्सीकरण और अपचयन को एक साथ जोड़ के लिखें तो FeO से Fe में अपचयन तथा कार्बन का CO में ऑक्सीकरण इस अभिक्रिया के द्वारा हो रहा है, जिसमें सकल गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन निम्नलिखित प्रकार से होता है। इसमें डेल्टा जी सी कन्वर्टिंग इनटू CO, ये अपचायक का ऑक्सीकरण का डेल्टा जी है, और दूसरा डेल्टा जी FeO कन्वर्टिंग इनटू Fe, जहां मेटल ऑक्साइड से मेटल प्राप्त करने का डेल्टा जी। हमने इन दोनों डेल्टा जी को ऐड किया तो जो समीकरण एक है उस अभिक्रिया के लिए हमें डेल्टा जी आर नॉट प्राप्त होता है, उस अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा का परिवर्तन प्राप्त होगा। यह आरेख एलिंगम आलेख है। इसमें देखें, आयरन के ऑक्साइड बनने का ग्राफ काफ़ी ऊपर की तरफ है Fe से FeO, और इसको अपचयित करने के लिए हम C कन्वर्टिंग इनटू CO काम में ले सकते हैं क्योंकि ये ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, और लगभग 800 के बाद 800 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक काफ़ी नीचे ये लाइन आ चुकी है। जितनी ये रेखा अपचायक के ऑक्साइड बनने की रेखा मेटल ऑक्साइड की रेखा से जितनी नीचे होगी उतना ही उन दोनों कपल्ड रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव आएगा और रिएक्शन सरलता से होगी, यानी कि मेटल का ऑक्साइड उस अपचायक के द्वारा आसानी से हो पाएगा जो ग्राफ में नीचे आ रहा है। तो ये देखा हमने कि सी कन्वर्टिंग इनटू CO लगभग 900 से 1500 के बीच में हम काम में ले सकते हैं। उसी तरह से दूसरी CO कन्वर्टिंग इनटू CO2 की लाइन काफ़ी साथ साथ चल रही है, लेकिन कुछ तापमान के बाद ये लाइन भी FeO वाली लाइन से थोड़ी नीचे आ पा रही है, तो हम CO कन्वर्टिंग इनटू CO2 को काम में ले सकते हैं। सी कन्वर्टिंग इनटू CO2, यह भी अपचायक के रूप में देखें, ये लाइन FeO की लाइन से नीचे है, तो इस तापमान पे लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड जहाँ इंटरसेक्शन होता है उसके बाद जहाँ अपचायक का ग्राफ नीचे जा रहा है वो तापमान हम लेते हैं जिससे कि अपचायक उस मेटल ऑक्साइड को अपचयित करने के काम आ पाए और उन दोनों कपल रिएक्शन का डेल्टा जी लार्ज नेगेटिव आए। तो इस तरह से ये ग्राफ हमें ये बताता है किस ऑक्साइड के लिए हम कौन सा अपचायक कितने तापमान पर ले सकते हैं। परिणामी अभिक्रिया तभी संपन्न होगी जब समीकरण 4, जिसमें डेल्टा जी सी कन्वर्टिंग इनटू CO प्लस डेल्टा जी FeO कन्वर्टिंग इनटू Fe, जिससे डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन प्राप्त हो रहा है, वो ऋणात्मक होना चाहिए। जब कपल्ड रिएक्शन का डेल्टा जी, यानी कि मेटल ऑक्साइड से मेटल बनने का डेल्टा जी
और रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन का सीओ बनने का डेल्टा जी, इन दोनों को जोड़ने पे यदि जो डेल्टा जी आर नॉट प्राप्त होता है वो ऋणात्मक होगा तभी अभिक्रिया संपन्न होगी। डेल्टा जी नॉट तथा टी के मध्य जो वक्र अभिक्रिया दो एफ ई ओ कन्वर्टिंग इंटू एफ ई प्लस हाफ ओ टू, यहाँ हमने ऑक्साइड को अपचयित करके लिखा हुआ है तो इसके लिए डेल्टा जी एफ ई ओ कन्वर्टिंग इंटू एफ ई होगा को निरूपित करता है। और ग्राफ में हमने ऑक्साइड फॉर्मेशन की रेखा देखी थी जो काफ़ी ऊपर की ओर जा रही थी, है ना, वहाँ एफ ई कन्वर्टिंग इंटू एफ ई ओ के टर्म्स में हमने लाइन देखी, तथा जो सी कन्वर्टिंग इंटू सी ओ परिवर्तन को निरूपित करता है वह नीचे की ओर जाता है। लगभग 1073 केल्विन से अधिक ताप पर सी कन्वर्टिंग इंटू सी ओ रेखा एफ ई कन्वर्टिंग इंटू एफ ई ओ रेखा के नीचे आ जाती है। ग्राफ में हमने देखा लगभग 1073 केल्विन के बाद अधिक तापमान पर सी कन्वर्टिंग इंटू सी ओ की लाइन नीचे की तरफ आ रही है जबकि एफ ई कन्वर्टिंग इंटू एफ ई ओ की लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, उनके बीच में काफ़ी गैप हो गया है और जो लाइन नीचे आ रही है उसके लिए डेल्टा जी लार्ज नेगेटिव हो चुका है। तो इस तरह से डेल्टा जी ऑफ सी कन्वर्टिंग इंटू सी ओ एफ ई कन्वर्टिंग इंटू एफ ई ओ से कम रहता है। और जब हम अपचयन करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के डेल्टा जी नॉट को अपचायक के डेल्टा जी नॉट में से घटाते हैं तो लार्ज नेगेटिव में से हम जब कम नेगेटिव को घटाएंगे तो आंसर नेगेटिव प्राप्त होगा। इस तरह से डेल्टा जी आर की वैल्यू नेगेटिव आने से रिएक्शन पॉसिबल हो पाएगी। अतः इस परिसर में कोक एफ ई ओ को अपचयित करेगा और स्वयं सी ओ में ऑक्सीकृत होगा। वात्या भट्टी में आयरन ऑक्साइडों का अपचयन विभिन्न ताप परिसरों में होता है। भट्टी में गर्म हवा निचले पैंदे से प्रवाहित की जाती है एवं कोयले कोक के द्वारा निचले भाग का ताप लगभग 2200 केल्विन तक पहुंचा दिया जाता है। ये देख रहे हैं वात्या भट्टी, यहाँ अयस्क को चूना पत्थर और कोक को ऊपर से भट्टी में डाला जा रहा है और नीचे की तरफ से आप देख रहे हैं ऑक्सीजन तथा वायु का झोंका दिया जाता है। और जब ये कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं कोक के साथ इस ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है तो सी ओ टू बन रहा है, ये सी ओ टू ऊपर की तरफ जाएगा और इसी अभिक्रिया से काफ़ी ऊष्मा मुक्त होती है जिससे कि भट्टी में तापमान नीचे की तरफ ज़्यादा है और ऊष्मा तथा सी ओ टू दोनों ही ऊपर की तरफ ट्रैवल करते हैं और तापमान ऊपर की तरफ कम होता है। बीच में लगभग 1200-1570 केल्विन है, ऊपर की तरफ 1000-1070 केल्विन के लगभग है और अलग अलग तापमान परिसरों में अलग अलग अभिक्रियाएं हो रही हैं। ये देखें, ये चूना पत्थर CaCO3 CaO तथा CO2 में हीट के द्वारा ब्रेक डाउन हो रहा है और ये CaO कहाँ काम आता है, सिलिका की जो इम्प्योरिटी है इसके साथ CaO कंबाइन करके धातु मल कैल्शियम सिलिकेट बना देता है। तो आयरन के ओर में सिलिका की इम्प्योरिटी को हटाने के लिए हमने चूना पत्थर डाला जो कि CaO में परिवर्तित हुआ और CaO SiO2 के साथ कंबाइन करके कैल्शियम सिलिकेट धातु मल बना देता है। और नीचे जो CO2 बना था, यहाँ देखें ये CO2 ऊपर की तरफ फिर कार्बन से कंबाइन करके CO में परिवर्तित हो रहा है और यही CO ऊपर बनने वाले आयरन ऑक्साइड जो बना है इसको 900-1500 केल्विन पर आयरन ऑक्साइड को CO से खुद स्वयं CO2 में कन्वर्ट होगा और ऑक्साइड को आयरन में परिवर्तित कर देगा। ये आयरन के अयस्क दिखाए हैं हेमेटाइट, जहाँ CO से रिएक्शन पे ये Fe3O4 प्लस CO2 दे रहा है। Fe3O4 की CO से रिएक्शन करने पे आयरन ऑक्साइड और CO2 प्राप्त हुआ और यही आयरन ऑक्साइड CO जो नीचे बना था इसके द्वारा अपचयित होकर आयरन में कन्वर्ट हो रहा है। इस प्रकार कोयले का दहन इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक अधिकतर ऊष्मा की पूर्ति कर देता है। CO व ऊष्मा भट्टी के ऊपरी भाग की ओर बढ़ती है, भट्टी के ऊपरी भाग में ताप कम होता है तथा ऊपर से आने वाले आयरन के ऑक्साइड हेमेटाइट तथा मैग्नेटाइट Fe2O3 Fe3O4 विभिन्न पदों में FeO में अपचयित हो जाते हैं। अतः अपचयन अभिक्रियाएं निम्न ताप परिसरों व उच्च ताप परिसरों में संपन्न होती हैं जो डेल्टा जी आर नॉट तथा टी के मध्य वक्रों के संगत प्रतिच्छेदन बिंदुओं पर निर्भर करती है। इन अभिक्रियाओं को संक्षेप में निम्नानुसार लिखा जा सकता है। वात्या भट्टी में निम्न ताप परिसर में 500-800 केल्विन पर
Fe2O3 हेमेटाइट CO के द्वारा अपचयित होके Fe3O4 प्लस CO2 दे रहा है और Fe3O4 CO से अभिक्रिया करके Fe प्लस CO2 बना रहा है। उसके बाद Fe2O3 CO के साथ अभिक्रिया से FeO, इस प्रकार हमने आयरन के ऑक्साइड में परिवर्तन कर लिया और यही आयरन ऑक्साइड 900 से 1500 केल्विन ताप पर वात्या भट्टी में उच्च ताप परिसर में FeO CO के द्वारा अपचयित होकर Fe प्लस CO2 देता है और इस ताप परिसर में CO2 और कार्बन की अभिक्रिया से CO भी प्राप्त होता है। यही CO इस FeO को अपचयित कर रहा है और Fe प्लस CO2 बना रहा है। चूना पत्थर भी CaO में अपघटित हो जाता है। हमने देखा कैल्शियम कार्बोनेट हीट करने पे कैल्शियम ऑक्साइड दे रहा है और यह सिलिका की इम्प्योरिटी को रिमूव करने में काम आता है। कैल्शियम सिलिकेट बन के धातु मल में चला जाता है। सिलिकेट अयस्क से अशुद्धियों को धातु मल के रूप में निकाल लेता है। धातु मल गलित अवस्था में लोहे से अलग हो जाता है। वात्या भट्टी से प्राप्त लोहे में लगभग 4% कार्बन तथा अन्य अशुद्धियां जैसे सल्फर, फास्फोरस, सिलिकन, मैंगनीज सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित रहती हैं। यह कच्चे लोहे पिग लोहा के नाम से जाना जाता है तथा विभिन्न आकृतियों में ढाला जा सकता है। ढलवां लोहा कच्चे लोहे से भिन्न होता है तथा इसे कच्चे लोहे को रद्दी लोहे एवं कोक के साथ गर्म हवा के झोंकों द्वारा पिघलाकर बनाया जाता है। इसमें थोड़ा कम कार्बन लगभग 3% होता है तथा यह अति कठोर और भंगुर होता है। अन्य अपचयन देखते हैं जहां पिटवा लोहा या आघात वर्ध्य लोहा वाणिज्यिक लोहे का शुद्धतम रूप है और इसे हेमेटाइट की परत चढ़ी हुई परावर्तनी भट्टी में ढलवां लोहे की अशुद्धियों को ऑक्सीकृत करके बनाया जाता है। हेमेटाइट कार्बन को कार्बन मोनोक्साइड में ऑक्सीकृत कर देता है। यह अभिक्रिया देख रहे हैं, यहाँ Fe2O3 Fe में अपचयित हो रहा है और कार्बन कार्बन मोनोक्साइड में ऑक्सीकृत हो रहा है। चूने के पत्थर को गालक के रूप में मिलाया जाता है जिससे सल्फर, सिलिकन तथा फास्फोरस ऑक्सीकृत होकर धातु मल में चले जाते हैं। धातु को निकाल लिया जाता है और रोलरों पर से गुजार कर धातु मल से मुक्त कर लिया जाता है। इस प्रकार हम आयरन का निष्कर्षण करते हैं। इस तरह हमने देखा किस प्रकार हम एलिंगम डायग्राम की सहायता से आयरन ऑक्साइड का अपचयन कर सकते हैं। आयरन ऑक्साइड FeO का अपचयन सी कन्वर्टिंग इनटू CO के द्वारा या CO कन्वर्टिंग इनटू CO2 से, हमने देखा कि वो दोनों ग्राफ में लाइनें FeO से नीचे आ रही हैं और वो उसको ऑक्साइड को अपचयित करने में हेल्प कर रही हैं। इस तरह से जितना लार्ज नेगेटिव डेल्टा जी कंबाइंड रिएक्शन का रहेगा अपचयन उतना ही आसानी से हो पाएगा। वात्या भट्टी में हम कैल्शियम कार्बोनेट डालते हैं जो कि कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और सिलिका जैसे इम्प्योरिटी को स्लैग के रूप में निकाल देता है। इस तरह से हम प्योर आयरन प्राप्त कर पाते हैं। अगली कक्षा में हम देखेंगे ऑक्सीकरण अपचयन के बारे में तथा धातु के शोधन की विभिन्न विधियों के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।